कलेक्टर नमित मेहता का खाजूवाला दौरा, मीडिया को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर नमित मेहता शनिवार को खाजूवाला दौरे पर रहे। पहले उपखंड कार्यालय खाजूवाला में निरीक्षण के बाद वे पंचायत समिति सभागार पहुंचे, जहां समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर मेहता ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और संबंधित विभागीय जानकारी ली। अपने पहले दौरे के दौरान जिला कलेक्टर समस्याओं को समझने की कोशिश करते नजर आए। सामान्य दिशा निर्देश के अलावा सख्ती दिखाने से अभी वे परहेज ही करते नजर आए। बैठक के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिप्सम के अवैध खनन पर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये समस्या पूरे जिले भर में ही देखने को मिल रही है। इसके बारे में खनन विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। वहीं मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले पर कलेक्टर ने कहा कि इस बारे में जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के संबंध में यही कहा गया कि अभी वैसे इन्होंने सैंपल साइज काफ़ी बढ़ाई है, आपके DCMO साहब ने सैंपल बढ़ाते रहे। आज मुझे बताया कि एक पॉजिटिव अपने कोई गाँव कौन सा था, बकेड़ी पुगल में एक बच्चा पॉजिटिव आया है। उनको अभी इन्होंने होम आइसोलेट करके रखा है, लेकिन अब क्योंकि बच्चा आया है तो ये भी संभव है कि उनके परिवारजन में कोई बड़े लोग, क्योंकि बच्चे तो किसी बड़े के मार्फत ही आया होगा उनको, तो अभी कोविड केयर सेंटर के लिए भी यहाँ पर खाजूवाला में एक धर्मशाला SDM साहब ने और देखी है, तो वो उसको प्रॉपर्ली तैयार कर ले ताकि अगर 2-4 केसेस पॉजिटिव आए तो उनको हम वहाँ रख सकें। बाकी आपके यहाँ पर इतना ज़्यादा संक्रमण खाजूवाला के अंदर और पूगल की तरफ नहीं है, तो अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस प्रकार से आपके फैली हुई पॉपुलेशन है, चकों में लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इशू कोविड के संबंध में नहीं आना चाहिए। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय वाला जो आपके बीकानेर में ही, ओवरऑल खाजूवाला में भी होगा और भी 2-3 जगह पर ये इशू है, तो वो हमने जो आपके ME जिले में है उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और अब ये इसके जो आगामी दिन है, इसमें जो फ्लाइंग भी बढ़ानी है या जो चालान काटने या जो इनको गाड़ियों को पकड़ना है, उसकी कार्रवाई हम करेंगे। कि जो आम जन के काम हैं, चाहे वो जो बिजली के हो, पानी के हो, मेडिकल के हो, वो हम त्वरित गति से करें। सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं पे ध्यान दें। कोविड का अपना एक अभी टाइम चल रहा है, तो कोविड के अंदर भी सबको सावधानी रखने की आवश्यकता है, और जो 4-5 मेन अधिकारी है उनको टीम बना के काम करने की आवश्यकता है। तो बेसिकली सबको टारगेट्स और वो तो सबको ध्यान ही है, केवल उसका अचीवमेंट और जो काम, जो एक आम जन आपके दफ्तर आता है तो उसको एक रिलीफ मिलनी चाहिए अच्छी सर्विसेज के मार्फत, वो मिले, इसके बारे में बात।